अब आपकी उम्र चाहे कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन शहर में लगने वाले उस मेले को देखकर हर एक इंसान के अंदर का वो बच्चा जाग ही जाता है, क्योंकि वहाँ पर हमें तरह तरह के राइड्स और काफी खतरनाक झूले झूलने को मिलते हैं। ये एक ऐसी फीलिंग होती है जिसमें एक पल के लिए तो डर के मारे सांसें थम जाती हैं, तो वहीं अगले ही पल इंसान खुशी से झूम उठता है, लेकिन कई बार इस एहसास के चक्कर में लेने के देने पड़ जाते हैं। तो आज दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में दुनिया भर में मौजूद कुछ ऐसे झूले, कुछ ऐसी राइड्स की सैर कराऊंगा जिन पर बैठना मौत से खेलने के बराबर है। So let's begin. Number 5. स्टेल्थ। ये है ब्रिटेन का सबसे तेज और यूके का सबसे लंबा रोलर कोस्टर, जो कि जाना जाता है स्टेल्थ के नाम से। ये इस एरिया का मुख्य आकर्षण है, जो आपको सिर्फ 2.5 सेकंड के अंदर 0 से 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक ले जाएगा। इस कारनामे को अंजाम दे पाना किसी कार के लिए भी संभव नहीं है। तो जरा सोचो, चलते समय यह रोलर कोस्टर कैसे हवा में बातें करता होगा। इतना ही नहीं, अपनी पूरी रफ्तार को पकड़ लेने के बाद स्टेल्थ 205 फीट की ऊंचाई पर जा पहुंचता है, जहां पर एक ट्विस्ट आता है। अगर इस झूले में इस समय इतनी एनर्जी बची होगी तो ये इस पहाड़ जैसी चोटी को पार कर आगे चला जाएगा, नहीं तो ये पलक झपकने से भी कम समय में उल्टा वापस भी आ सकता है जहाँ से इस राइड की शुरुआत हुई थी। ये एक्सपीरियंस काफी डरावना होता है, क्योंकि ऐसे में इस पर बैठे लोगों को कुछ ऐसा अनुभव होता है कि इस राइड में जरूर कुछ गड़बड़ी है और कुछ कुछ गलत होने ही वाला है। अब जरूर नहीं कि ऐसा हर बार ही हो, कई बार तो ये मोड़ को सीधे सीधे बिना रुके भी पार कर जाता है। बस यही कारण है कि ये झूला लोगों में काफी रोमांच पैदा करता है। नंबर 4, अल्पाइन कोस्टर। प्रकृति के खूबसूरत नजारे किसे नहीं पसंद, बस इसी को ध्यान में रखते हुए स्विट्जरलैंड की इन पहाड़ियों से एकदम सटा कर बनाया गया है यह अल्पाइन कोस्टर, जो दिखने में काफी सुंदर दिखाई देता है और यहाँ का नजारा सबके मन को मोह लेता है। पर खूबसूरत होने के साथ साथ ये कोस्टर काफी खतरनाक भी है, क्योंकि इस राइड में किसी भी तरह का कोई ब्रेक मौजूद नहीं होता। मतलब अगर आप इसमें एक बार बैठ गए तो आप इसके एकदम आखिरी छोर पर जाके ही रुकोगे। साथ ही में इस कोस्टर में किसी भी तरह की कोई सुरक्षा का बंदोबस्त भी नहीं किया गया है। मतलब अगर आप इसमें राइड करते समय हल्का सा भी डिसबैलेंस हो जाते हो तो फिर या तो आप इस पहाड़ से सीधा नीचे खाई में जा गिरोगे या फिर आपको काफी गहरी चोटों का सामना करना पड़ेगा। जो भी हो, काम काफी जोखिम भरा है। नंबर 3, हाईएस्ट स्विंग। आप सभी ने बचपन में पेड़ में रस्सी को बांधकर स्विंग का आनंद तो जरूर लिया होगा, लेकिन लोग इस मजे को इतनी ऊंचाई तक ले जाएंगे ये तो कभी किसी ने न सोचा होगा। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में बसे एक शहर मैसाचुसेट्स में जाते हो तो आपको वहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा स्विंग देखने को मिलेगा। अब ये झूला देखने में जितना मजेदार है यह उतना खतरनाक भी है, जिसे झूलने से पहले आपको अपना लाइफ इंश्योरेंस जरूर करवा लेना चाहिए। ये झूला अपने ऊपर एक साथ 22 लोगों को बिठाकर 400 फीट की ऊंचाई पर ले जाता है, जहाँ पर ये 64 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से घूमने लगता है। और भगवान न करे कि यहाँ पर थोड़ी सी कुछ गड़बड़ी हुई तो आप सीधे भगवान के पास ही जा पहुँचोगे, इसीलिए बेहतर यही है कि इस झूले से दूर ही रहा जाए। नंबर 2, एक्स स्क्रीम। अगर आप एक कमजोर दिल वाले इंसान हैं तो ये राइड आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं बनी, क्योंकि इस पर बैठने के बाद अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। इस राइड के नाम दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बना पहला झूला होने का रिकॉर्ड भी शामिल है, जिसे लास वेगास में मौजूद एक टावर के ऊपर जमीन से करीब 900 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है, जो इतनी ऊंचाई पर तेज हवा के बीच 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। इस पर बैठने के बाद कुछ ऐसा अनुभव होता है कि वो लोग किसी भी समय इस राइड के साथ बिल्डिंग से सीधा नीचे जा गिरेंगे। जहां हम लोगों को इस दृश्य को सिर्फ अपनी स्क्रीन पर देखने भर से ही काफी डर लग रहा है, वहीं दुनिया भर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस राइड के इतने आदी हो चुके हैं कि वो इसका बार बार लुप्त लिए बिना रह ही नहीं पाते। रिसर्चर्स का कहना है कि जब भी कोई व्यक्ति कुछ ऐसा रोमांच करता है तो उसकी बॉडी में इंडोर्फिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है, जो उसे ऐसे जोखिम भरे कारनामे करने का आदी बना देता है। नंबर 1, स्लिंगशॉट राइड। इस राइड को अभी तक की सबसे खतरनाक राइड बताया जाता है, जिसे झूल पाना हर किसी के बस की बात नहीं। स्लिंगशॉट यानी कि गुलेल। बस कुछ इसी सिद्धांत पर बनाई गई ये राइड एक गुलेल की तरह ही काम करती है। इसमें राइडर को बिठाकर पूरी ताकत के साथ हवा में फेंका जाता है। हालांकि इस राइड को चलाते समय हर तरह की जरूरी सावधानी का ख्याल रखा जाता है, लेकिन फिर भी यह राइड इतनी ज्यादा खतरनाक है कि इसे झूलते समय आधे से ज्यादा लोग तो बीच राइड में ही बेहोश हो जाते हैं। इस पूरी राइड के समय उनकी रफ्तार 100 किलोमीटर तक जा पहुँचती है, और इसे एक बार झूल पाने के बाद कोई भी इंसान इसे फिर से दोबारा झूलने की हिम्मत नहीं कर पाता। तो दोस्तों, आपको ये झूले चाहे कितने भी रोमांचक क्यों ना लगते हों, पर इन सभी में जोखिम तो हमेशा ही बना रहता है। इंटरनेट पर अक्सर ऐसी बहुत सी वीडियोस देखने को मिल जाती हैं, जिसमें अम्यूजमेंट पार्क्स में होने वाली एक्सीडेंट को साफ साफ देखा जा सकता है। अब चाहे कितनी भी सावधानी क्यों ना बरत लें, लेकिन एक छोटी सी गलती और जान से हाथ धोना पड़ेगा। इसीलिए हम सभी को इन झूलों से दूर रहने में ही भलाई है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लें, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए जुड़े रहें यूनिवर्स एडवेंचर की फैमिली के साथ। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।